दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज ना मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो मैंने ना पाव भर करीबन छोले को भिगा दिया है और ढक के रख दूंगी 7 से 8 घंटे के लिए। सुबह जब हुई ना, इतनी सुंदर सुबह थी, देख के मन खुश हो गया। बट आज मेरा जाने का मन है गार्डन। बहुत दिन हो गए नीचे गार्डन नहीं देखा और ऊपर से मन ललचाता रहता है, तो मैं तो एकदम चली गई थी गार्डन में। और जब भी यहाँ नीचे गार्डन में जाती हूँ ना सोसाइटी की, तो ये मुझे कुछ ना कुछ डॉग्स मिलते हैं। यहाँ पे लोग बहुत डॉग्स पालते हैं। वो जैसे ही मेरे पास आए, वो इतना प्यार करा कि उसने ना मुझे भी गिरा दिया और खुद भी गिर गया था। अब ना मैं निकल चुकी थी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि दोस्ती करना। यहाँ पे नीचे जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मैं हमेशा उनको अपना दोस्त बना लेती हूँ। मेरा नेचर ना कब से है कि मेरे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, और नेचर के पास में आके ना मन इतना खुश हो जाता है मेरा हमेशा। अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ क्योंकि ना मुझे नारियल पानी पीना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है मेरा। अब ना मैंने ना किचन में देखा कि शुगर जो थी ना मेरी, वो रिफिल करनी थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। शुगर मेरे घर में ना बहुत ही कम लगती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संदीप चाय पीते हैं और मीठा बहुत हम लोग खाते नहीं है। अब ना मैं गूंद रही हूँ भटूरे का आटा, जिसके लिए मैंने आधे किलो करीबन मैदा ले लिया है। इसमें मैं ना आधी कप करीबन डालूंगी सूजी, क्योंकि ना उससे बहुत ही टेस्टी और फ्लफी से बनते हैं भटूरे। और आधी कप मैंने यहाँ पे डाल दिया है दही है, ये बहुत खट्टा दही नहीं है। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच मैंने शुगर डाली, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारे भटूरे का। और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। और आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। लास्ट में एक चम्मच मैं डालती हूँ घी, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सबको अच्छे से ना मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि हर जगह अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और थोड़े गर्म पानी से, लूकवॉर्म वाटर से मैं एक डो लगाऊंगी। ये डो ना बहुत टाइट नहीं लगाना, जैसे हम पूरी का लगाते हैं ना वैसे बिल्कुल नहीं लगाना है। थोड़ा सा ना पराठे टाइप, मतलब हल्का सा ये सॉफ्ट वाला डो लगाना है। इसमें पानी लगा के मैंने इसको रख दिया है। अब मैंने गैस जला दी है और उसमें ना मैं ना करने वाली हूँ बॉईल। ये जो भीगे हुए हमारे छोले हैं ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसमें साथ मैं डालूंगी नमक और हल्दी, ताकि छोले एकदम अच्छे से ना अंदर तक पक जाए और ये जो नमक का टेस्ट ना अंदर तक छोलों में चले जाएगा। और एक सीटी में फुल लगाऊंगी और 4 से 5 सीटी में एकदम सिंपल लगाऊंगी। अभी जो भटूरे का आटा हमने लगाया था, 20 मिनट बाद इसको खोलेंगे। देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा और बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा डो तैयार है। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही गूंदूंगी, इसके बाद ट्रांसफर कर दूंगी एक बॉक्स में, क्योंकि मुझे ना इसको माइक्रोवेव में रखना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ठंडक है ना। तो माइक्रोवेव में 2 घंटे रखेंगे ना बिना ऑन किए, तो आप देखेंगे उसकी गर्मी से ना बहुत अच्छे से ना फर्मेंटेड हो जाएगा। अब हमारे छोले उबल चुके हैं। अब हमें बनाना है इसके लिए एक मसाला हम तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 4 ले लिए हैं टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक। और ये जो छोले हैं बिना लहसुन और प्याज के बनेंगे, जी हाँ। और यहाँ पे एक स्मूथ सा पेस्ट बना के रख लिया। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल। जैसे ये थोड़ा जल जाए, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच करीबन जीरा। एक ही मैंने इसमें डाला है तेज पत्ता। 4 मैंने छोटी इलायची डाली, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले जो डालेंगे ना, वो आधी चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है, जिससे कि हमारे टमाटर फट से गल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आधी छोटी करीबन मैंने डाल लिया है ये लाल मिर्च पाउडर। आधी ही छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा ये हल्दी पाउडर। इसके बाद में 2 बड़े चम्मच करीबन मैंने यहाँ पे डाला है धनिया। धनिया डालने से ना एक बाइंडिंग आ जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हमारा मसाला ऑलमोस्ट बन चुका है। जैसे ये तेल छोड़ दे, अब हम इसमें डालेंगे जो कि है ये छोले का मसाला। देगी मिर्च 1 चम्मच जरूर डाल दीजिएगा। 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च से ना कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 बड़ी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया था, जो कि था हमारे छोले मसाला। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है काला नमक, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ना आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, जी हाँ, चाट मसाला डाल के बहुत अच्छा स्वाद आता है। हम यहाँ पे बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक मैजिकल चीज डालेंगे, वो है ये कॉर्नफ्लेक्स। आधी छोटी कटोरी कॉर्नफ्लेक्स डालने से ना इतनी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि इसमें मैंने प्याज
और लहसुन डाला है कि नहीं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पहले तो मैं सिर्फ मैं ना पूजा में बनाती थी, धीरे धीरे तो अब ऐसी आदत हो गई है कि बिना लहसुन प्याज के ही मेरे घर में छोले बनते हैं। फिर मैंने छोले डाल दिए हैं और छोटा छोटा करके ना पनीर डाल दिया, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। 15 से 20 मिनट बस इसको पकाएंगे, अब गैस बंद कर देंगे और हमारे छोले रेडी हैं। और भटूरे का आटा भी आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया, कितना अच्छा हो गया। इससे बहुत ही फ्लफी फ्लफी हमारे भटूरे बनने वाले हैं। और देख लीजिए बहुत ही अच्छे बनते हैं, इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके छोले भटूरे। और ये छोले भटूरे खा के ना मेरी बेटी हमेशा इतना याद करती है ना, जो इंडिया में भी पढ़ती है उसको मेरे हाथ के छोले भटूरे हमेशा ही बहुत ही पसंद है। और ये प्लेट तैयार हो चुकी थी मान्या के लिए, और वो वेट करती रहती कि मम्मी छोले भटूरे दो जल्दी। और आज ना मेरे को जाना है हल्दी कुमकुम में, तो मैंने ये साड़ी निकाल ली है। ये साड़ी को आए हुए कम से कम 2 से 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ना एक बार भी चांस नहीं मिला इसको पहनने का। तो जैसे आज मैंने लगेज खोला और मुझे दिख गई सामने ये साड़ी, तो मुझे लगा आज यही पहनते हैं। इसके साथ ना ये ज्वेलरी मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है ना, तो पर्ल बहुत अच्छा जाता है। जब भी कोई डार्क कलर की आप साड़ी पहनते हैं ना, या सूट पहने, या कोई भी ड्रेस, तो पर्ल बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैं ब्लैक बैंगल्स पहनने वाली हूँ। और ये रिसेंटली मेरी बेटी आई थी ना, जब मैंने कोटा से मंगाए थे, इट इज बेस्ट गाइस। ये गजरा और ये जो दूसरा वाला गजरा ही होना ही चाहिए, इतनी इजीली हेयर स्टाइल बन जाती है। और गजरे में मैं हमेशा ना ऐसे पिन लगा के रखती हूँ, ताकि ना इजी हो जाता है एकदम से, ना लगाने में बहुत ही आसान हो जाता है। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और ना आज पता नहीं इस इयररिंग में क्या प्रॉब्लम हुई, हल्का सा ऐसा लग रहा है, लूज सा लग रहा है मुझे इसका पेच, बट मुझे यही पहनना था तो मैंने ये पहन लिया है। और मैंने ना मुझे अच्छी लगती है कि ये वाली जो मेरी रिस्ट वॉच है, तो साड़ी के साथ भी वेस्टर्न सब के साथ ही बहुत अच्छी जाती है, बिकॉज इट्स रोज गोल्ड, तो बहुत अच्छा जाता है। उसके साथ साथ ये जो चूड़ियाँ है ना, ये भी मैंने पहन ली है, इनको लिए भी 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया था। और आज जो साड़ी की मैं बात कर रही थी, ये साड़ी ना एक्चुअली ना मैं मुंबई में थी, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड है आशा, उसको बोला था यार मेरे को एक लहरिया साड़ी भेज, तो उसने भेजी थी। एंड उसकी हमेशा ही कंप्लेंट रहती थी कि यार तुम साड़ियां तो मंगाती हो, पहनती तो नहीं हो मेरी भेजी हुई साड़ी। तो आज पक्के से आशा तो बहुत खुश होगी कि यार वीनू ने उसने जो भेजी थी साड़ी वो मैंने आज पहनी है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं जब पहन रही थी, इवन जब आज मैंने सुबह निकाली, तो एक्चुअली मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा आता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहाँ भी जिस भी फंक्शन में जाऊँ तो एकदम प्रॉपर साड़ी पहन के जाऊँ। तो जब मैंने ये निकाली, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे शाम को मुझे आज जाना था, तो मैंने सुबह निकाल के एकदम प्रेस करके रख लेती हूँ, एकदम प्लीट्स बना के पिन लगा के, तो जब मैं पहनने लगती हूँ ना, तो वो रेडीमेड साड़ी जैसी हो जाती है, तो मैं एकदम से पहन लेती हूँ, मुझे ज़्यादा पहनना आता नहीं है। इवन बॉम्बे में भी थी ना, तो मेरी जो नेबर थी वो मुझे साड़ी बनाती थी, तो जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ एक टाइम भी ऐसा नहीं आता जब मैं उनको मिस नहीं करती। तो आज मैं जा रही हूँ, यहाँ हल्दी कुमकुम होता है ना, जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत होता था, तो मैं वहाँ पे भी काफी जाती थी, मेरी फ्रेंड्स वगैरह बुलाती थी, क्योंकि मेरा अपना एक बहुत अच्छा ग्रुप था, मराठी ग्रुप था। आज यहाँ इंडोनेशिया में पहली बार जा रही हूँ, किसी ने मुझे बुलाया है कि हल्दी कुमकुम के लिए, और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हल्दी कुमकुम होता है। और ये होता है कि जैसे हम लोग में ब्लैक इतना नहीं पहनते जैसे पूजा में जाते हैं, बट मराठियों में ना ब्लैक बहुत शुभ माना जाता है। जो ये 14 जनवरी जो आती है, उत्तरायण जिसे कहते हैं, उसमें, और ये जो हल्दी कुमकुम होता है वो इसी महीने में होता है, और ये लोग बहुत शुभ मानते हैं। और ना मैंने ना बिंदी चेंज कर ली, क्योंकि बिंदी इतनी जा रही नहीं थी उसके साथ, तो मुझे लगा कि यार चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज से इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो जस्ट मैं नीचे आ चुकी हूँ। और यहाँ में ना एक चीज़ बहुत रहती है कि आप ऊपर नहीं आ सकते, मतलब आपको एक्सेस कार्ड जो दिया जाता है उसी के द्वारा आप ऊपर आ सकते हो। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि कोई आएगा मुझे लेके जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है कि सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी टाइट है। ये है ब्लू गर्ल और ये हमारी मंडली सारी, ये सारी मंडली, हैप्पी हल्दी कुमकुम। ये देखो हमारी एकदम इसके घर में पार्टी, और देखो क्या सजी है यार, लुकिंग स्टन है।
ओह गॉड, ये देखो, ये देखो भारतीय नारी, सब पर भारी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हाथ खोल के रखना, मैं खोल रही थी, प्लीज आइए, आपके भाग खोल गए, आप भोग लगाइए। समोसा ये बनाई है, चाट, ये मिसल पाव, और ये एक कोई मराठी ठेचा होता है वो बनाया है, ये सारी चीज हलवा। लेट्स एंजॉय। काफी मजे आए यहाँ पे भी, सारी ना मिसल पाव और एकदम मराठी कुजीन खाने को मिला, समोसा, ये सब तो और क्या चाहिए ना। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, जैसी शाम को बालकनी में आई तो इतना प्यारा चांद खिला था, यहाँ बालकनी में आके सारी थकान उतर जाती है। अब मुझे सारी जो डेकोरेशन की थी ना 22 जनवरी के लिए वो सब निकालनी थी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ना ज़्यादा धूप आती है जिससे माला खराब हो जाएंगी, और बारिश का मौसम आ चुका है इंडोनेशिया में। तब मैं ये सोच रही थी कि जब मैं लगा रही थी कितनी एक्साइटेड थी ना, और आज जब मैं निकाल रही हूँ तो मन ना दुखी होता है। तो हम वहीं पे खड़े रहते हैं, चीजें आती हैं चली जाती हैं, त्यौहार आते हैं चले जाते हैं। और जब कुछ दिन पहले ना मैंने ना ये क्रिसमस ट्री को समेट के रखा ना, तब भी मुझे ना बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि जिस दिन हम लगा रहे थे हम चारों साथ थे, और आज ना मैं पूरा अकेले ही निकाल रही हूँ। बट क्या करें, इसको समेट के रख दिया ताकि ये एज इट इज रहे, इनकी शेप भी खराब ना हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलने वाली हूँ बहुत जल्दी एक और वीडियो में, तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।